हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइटल पेन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अ टाइटल पेन इज जावा एफएक्स कंट्रोल दैट कंटेन्स अ टाइटल एंड अ पेन, एंड इट कम्स विद द फीचर दैट यू कैन हाइड एंड हाइड और शो द पेन बाय टॉगलिंग इट्स टाइटल। ओके, तो वैसे तो आपको टाइटल पेन नाम से ही पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटल पेन एक ऐसा जावा एफएक्स का कंट्रोल है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक टाइटल दूसरा पेन। ओके, और इसके अंदर एक फंक्शनलिटी होती है कि आप इसके टाइटल को क्लिक करके इसके पेन को शो या हाइड कर सकते हो। ओके, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये एक टाइटल पेन का एग्जांपल है। तो ये इसका टाइटल है, आप टॉप पर देख सकते हो इसका ये टाइटल है। ओके, एंड दूसरा आप टाइटल के नीचे आप देख सकते हो ये दूसरा पेन होता है। ओके, इसको बेसिकली हम कॉन्टेंट पेन कहते हैं। और ये कॉन्टेंट, ये जो पेन होता है ना, इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर नज़र आएगा। ताकि ये बॉर्डर क्यों होता है, ताकि जो हमारा फ्रेम है, जो हमारा सीन है, सीन में बाकी भी कंपोनेंट होंगे ना, तो उन कंपोनेंट को इस मतलब इस टाइटल पेन को उस उन कंपोनेंट से अलग करने के लिए इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आपको नज़र आएगा। ओके, ताकि ये उन सभी से अलग दिखे। तो इस तरह से ये टाइटल पेन होता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप इसको टाइटल को क्लिक करोगे तो इसका पेन छिप जाएगा और ये इस तरह से दिखने लगेगा। दोबारा से क्लिक करोगे तो ये दोबारा से दिखने लगेगा। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम टाइटल पेन को क्रिएट करना सीखेंगे। देन हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शनैलिटी होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पेन होता है वो हमें डिस्प्ले मोड में आता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे बाय डिफ़ॉल्ट हम हिडन करना चाहते हैं, ये बाय यूज़र को दिखे ना, जब क्लिक करे तभी दिखे, तो ऐसा हम कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। देन हम थर्ड सीखेंगे इसे अनकोलेप्सिबल कैसे बनाएं, मतलब अभी यूज़र इसे हाइड या शो कर पा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं यूज़र को हाइड या शो ना करवाने दूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसे हम कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे। देन इसके अंदर एक एनिमेशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस एनिमेशन को हम रिमूव करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और इन चारों चीज़ों को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम एक्लिप्स के अंदर, और एक्लिप्स के अंदर मेरे पास ये बेसिक सा प्रोग्राम है। अभी अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो अभी इसमें कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल फ्रेम है। ओके, इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टाइटल पेन को ऐड करेंगे। तो टाइटल पेन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक टाइटल पेन क्लास है, टाइटल पेन, उसका हम यूज़ करेंगे। सो टाइटल पेन टी पेन कर देते हैं, टी पेन इज इक्वल टू न्यू टाइटल्ड पेन। ओके, एंड इसको इंपोर्ट करेंगे। चलिए, देन हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं इसको इस रूट में ऐड कर देता हूँ, रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड टी पेन। ओके, एंड एड। ओके, और अभी इसको रन करके दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि टाइटल पेन हमारे फ्रेम में ऐड तो हो जाएगा। ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं टाइटल पेन हमारे फ्रेम में ऐड हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा, ना तो इसका टाइटल है ना ही पेन है, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया है। तो चलिए इसके टाइटल को सेट करते हैं। तो टाइटल को सेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट की मदद से हम इसके टाइटल को सेट करेंगे। उसके मैं यहाँ लिख देता हूँ माई टाइटल्ड पेन। ओके, एंड देन हम इसके कंटेंट पेन को सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट कंटेंट, सेट कंटेंट। और इसमें हम इस सेट कंटेंट में हम बेसिकली एक नोड पास करनी है। तो वो नोड या तो कोई कंट्रोल हो सकता है, जावा एफएक्स कंट्रोल हो सकता है, या कोई पेरेंट हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल नोड्स ऐड हो रखी हों। ओके, तो आप यहाँ क्या करोगे, अभी के लिए मैं यहाँ एक लेबल पास कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज माय कंटेंट, एक लाइन लेता हूँ लाइन वन, दूसरी लाइन लेता हूँ लाइन टू, तीसरी लाइन लेता हूँ लाइन थ्री, चौथी लाइन लेता हूँ लाइन फोर। ओके, इससे थोड़ा आपको लगेगा कि एक थोड़ा कंटेंट है इसमें। ओके, चलिए, तो इसे इंपोर्ट हो गया। तो अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो आप देखोगे कि हमारे कंटेंट मतलब हमारे टाइटल पेन में
हमारा टाइटल भी सेट हो गया और कंटेंट पेन भी सेट हो गया। ओके, तो अभी अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसका जो टाइटल है, टाइटल जो कंटेंट पेन है वो हाइड हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो अभी हमने इसमें क्या सीखा, क्रिएटिंग दी टाइटल्ड पेन, मतलब हाउ टू क्रिएट हमने सीख लिया। देन अभी आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका पेन शो हो रहा है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये हिडन मोड में आए। ओके, यूज़र जब इसे क्लिक करे तभी ये शो हो। तो ऐसा कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ हम सीख रहे हैं चेंज बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडेड। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे टी पेन डॉट सेट एक्सपेंडेड। तो बाय डिफॉल्ट के एक्सपेंड मोड में आता है, इसे हम फॉल्स कर देंगे तो आप देखोगे कि जो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडेड था अब ये एक्सपेंडेड नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि हमने उसे फॉल्स कर दिया, अभी जब इसे क्लिक करोगे तभी ये एक्सपेंड होगा। ओके, चलिए। देन हम देख रहे हैं कि अभी यूज़र इसे शो या हाइड करवा पा रहा है। ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र इसे शो या हाइड नहीं करवा पाए, मतलब इसे अनकोलेप्सिबल बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे, अनकोलेप्सिबल। तो अनकोलेप्सिबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए इसके अंदर मेथड होता है टी पेन डॉट सेट कोलेप्सिबल। तो सेट कोलेप्सिबल बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, लेकिन अभी मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो अभी आप देखोगे कि जब इसमें लेफ्ट साइड में एक यहाँ बटन आ रहा था ड्रॉप डाउन का एरो बटन, लेकिन अभी वो बटन नहीं आ रहा, तो हम इसे शो या हाइड नहीं करवा पाएंगे। ओके, लेकिन अभी इसका जो पेन है कॉन्टैक्ट पेन वो शो नहीं हो रहा, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मुझे ये सेट एक्सपेंडेड को वापस से ट्रू करना पड़ेगा ताकि वो डिस्प्ले हो। ओके, चलिए इस तरह से। तो लेकिन अभी मैं इसे शो या हाइड नहीं करवा पा रहा, तो उसके लिए वापस से मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। ओके, चलिए। तो ये तीन चीज़ें हमने सीख ली। देन हम सीखते हैं कि इसमें आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो कंटेंट पेन है ये स्लाइड होकर आता है और स्लो मोशन में आता है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्लो मोशन में स्लाइड होता है। तो इसमें बेसिकली यहाँ एक एनिमेशन लगा हुआ है जिसकी मदद से ये स्लो मोशन में आता है, लेकिन आप चाहें तो इसके एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं डिसेबल एनिमेशन। तो एनिमेशन को डिसेबल कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसके अंदर एक मेथड होता है टी पेन डॉट सेट एनिमेशन, और इसमें फॉल्स फॉल्स करना है। मतलब मेथड जो है वो काफ़ी आसान है, आप यहाँ देख सकते हैं नेम से ही आपको पता लग जाएगा, यहाँ सेट एक्सपेंडेड, सेट कोलेप्सिबल, सेट एनिमेशन, सेट एनिमेटेड। ओके, तो एनिमेटेड में हमने फॉल्स फॉल्स किया और अभी आप देखोगे कि ये पहले स्लो मोशन में हो रहा था शो या हाइड, लेकिन अभी एकदम से हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो चलिए, यहाँ तो हमने क्या किया है, इस पेन में एक लेबल को सेट किया है, मतलब सिंगल नोड को सेट किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप चाहें तो आप इसमें एक पेरेंट को पास कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा फॉर्म पास कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक एड्रेस का फॉर्म ले लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ एक एड्रेस का फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ कहीं एक मेथड बना लेता हूँ जो कि हमें एक ग्रिड पेन रिटर्न करके देगा। ओके, इस ग्रिड पेन में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक एड्रेस का फॉर्म बना रहा हूँ। ओके, तो इसे इंपोर्ट कर लेंगे, चलिए टेक्स्ट फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेथड बेसिकली मुझे क्या करेगा, ग्रिड पेन में एक फॉर्म को रिटर्न करके देगा और ये ग्रिड पेन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड पेन के ऑब्जेक्ट को
जहाँ मैंने ये लेबल पास किया था ना, इस लेबल को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रिएट ग्रिड पेन, ओके ये इसका ऑब्जेक्ट दे देगा मुझे। ओके तो अगर मैं अभी इसे एक्सपेंड मतलब रन करके दिखाऊंगा आपको, तो आप देखोगे कि हमको यहाँ एक फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ इसे सो हाइड करवा पा रहे हैं। ओके तो चलिए इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम जावाएफएक्स में टाइटल पेन को क्रिएट करते हैं और इसका यूज़ करना सीखा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टाइटल पेन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करनी है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जावाएफएक्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।